I hope you understand the story. So, after this explanation, let's come to the word meanings you are having in your textbooks. Pent up. Pent up means which have not been expressed. Second, subsidized means lessen, yani kam ho jana. Distraught means extremely upset. Fourth one, conviction means confidence. Vigorously means energetically. Applause. Applause means a noise made by a person or group of people clapping their hand and sometimes shouting to show appreciation and enjoyment. It means hota hai ki ek aisi awaaz cheer karte hue kisi ka naam call karna ya unko bulana aur saath mein uske taali bajana unko appreciate karte hue kyunki उन्होंने बहुत अच्छा क्या किया था, प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा काम किया था. प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है सेट अप्रूव, जो पहले से बताया गया है. ओके, क्वेरी मीन्स क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड मीनिंग्स. लेट गेट टू वर्ड्स फ्यू क्वेश्चंस विच कैन कम इन योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिस लेसन. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड तरुण रिलीज हिज पेंट अप इमोशंस. सो एज आई टोल्ड यू कि वो क्या करते थे, यूज टू रन, रन लाइक एनीथिंग एंड नो वन वाज देयर टू स्टॉप हिम. ठीक है, तो वो उस गार्डन के बहुत चक्कर लगाते थे, जितना जब तक वो खुद को एग्जॉस्ट नहीं कर लेते थे तब तक उस पार्क के चक्कर लगाते थे. एंड इन दिस वे ही यूज टू रिलीज हिज पेंट अप emotions, right? Now, whom did Tarun happen to meet in his state of depression? इसका मतलब ये होता है कि तरुण जब state of depression में थे तब वो किससे मिले. ये state of depression कब था, when he failed in his terminal exams and his father got angry on him and his friend made up his fun. ठीक है, उस समय क्या हुआ, वो depression में थे. At that time he met Mr. Ram Narayan. Who was Mr. Ram Narayan? मिस्टर राम नारायण जो थे वो ओलंपिक मेडल विनर थे, ओलंपिक मेडल विनर इन 1960. एंड एज वेल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे कंसोल किया, उन्होंने कहा कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ बट द थिंग इज द पर्सन मस्ट नेवर गिव अप. क्या करना चाहिए, किसी को भी हार माननी नहीं चाहिए. इन दिस वे क्या किया, दैट पर्सन मिस मतलब मिस्टर राम नारायण कंसोल तरुण. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड तरुण फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस. व्हेन तरुण सॉ हर मदर एट स्टेडियम, एट दैट टाइम द फियर इज चेंज इनटू कॉन्फिडेंस. उस समय क्या हुआ, जो उनका फियर था वो किस में चेंज हो गया था, कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ तरुण्स फादर आफ्टर द रेस. ऑफ कोर्स तरुण फादर वाज सो हैप्पी व्हेन ही फाउंड कि उनका बेटा इतना कैपेबल है. सो दिस वाज द रिएक्शन. एंड तरुण के फादर का कैसा रिएक्शन था, तो तरुण फादर वॉज सो ग्लैड बाई सींग हिज सन दैट ही इज सो गुड इन रनिंग एंड ही कैन बी अ गुड एथलीट इन फ्यूचर. ओके, सो नाउ देर आर सम idioms और phrases इन दिस लेसन, लेट्स चेक इट आउट देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वन इज ब्लैक शिप. एज आई टोल्ड यू, ब्लैक शिप अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली. द सेकेंड वन इज अप्स एंड डाउन्स. सो अप्स एंड डाउन्स मीन्स सक्सेस एंड फेलियर्स, राइट. ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, इट मीन्स विश यू गुड लक. ओके, द नेक्स्ट वन इज रे ऑफ होप, दैट इज न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. नाउ आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द रेस, the word meanings and the question answer, let's practice some comprehensions and grammar. So starting from the comprehension part of your book, which is given in your book, the
thing which we are going to learn and understand, all the exercises we are going to practice is on your screen. So first we will go through the comprehension part of your textbook. The first question given here is, arrange these utterances from the lesson in their correct sequences. It means जो utterances यानी बोली दी गई है या कही हुई बातें दी गई है उसको सही सीक्वेंस में लगाना है कि कब ये दी बोली गई थी, और क्योंकि ये अभी जो आपके क्वेश्चन सामने दिया हुआ है ये अभी जो है ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, या हम कह सकते हैं सीक्वेंस में नहीं है, वी हैव टू अरेंज इट. सो फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन एज इट इज़ एंड देन आई विल गिव यू द आंसर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अटरेंस इज आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड. नाउ द सेकेंड अटरेंस आई हैव फेल इन टू सब्जेक्ट्स. द थर्ड वन इज दैट इज नो बिग डील, आई विल सर्व. फोर्थ वन इज आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days. फिफ्थ अटरेंस, the training school is very expensive sir. The fifth utterance, you are one of the best trainer I have ever seen. Sixth utterance given in your screen is, if you win the race on Children's Day I will train you. The next utterance, all you need to do is keep that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? The next utterance given in your screen is, I can train you but on one condition. The another one is, I see a good future in you. And the last one is, what condition? Now see, these are the utterances which is according to the question. Right now we have to arrange द क्वेश्चन एज पर द लेसन, कि लेसन में जिस तरीके से ये बातें बोली गई थी हमें उस तरीके से राइट उसको क्या करना है, अरेंज करना है. तो फर्स्ट इसमें जो अटरेंस आएगा उसमें जो अरुण है वो राम नारायण से कहते हैं कि आई हैव फेल्ड इन टू सब्जेक्ट. सो दिस इज द आंसर आई एम गिविंग यू. तो फर्स्ट अटरेंस इज आई हैव फेल्ड इन टू सब्जेक्ट्स, मैं दो सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ राइट. The second utterance is, you are one of the best runner I have ever seen. तुम एक best runner हो अभी तक के जो मैंने अपनी life में देखा है. Third utterance ये कहता है कि I see a good future in you. Again राम नारायण सर का ही ये comment है कि जब वो उनकी तारीफ करते हैं, when he appreciate तरुण, at that time he says कि I see a good future in you. Right? Now fourth statement, all you need to do is keep that passion burning in you and never give up. उस समय वो ये भी ऐड करते हैं कि बस आपको करना क्या है कि अपने अंदर उस पैशन की आग को जलने देना है और उसको कभी भी आपको रुकने नहीं देना, और आपको कभी उसको करने से रुकना नहीं है. इसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हैव यू ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुमने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है. सो दिस इज द अटरेंस. इसके बाद कौन सी अटरेंस आती है, फिफ्थ वन जो अटरेंस है वो है जब अरुण उनसे कहता है, सर द ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कि सर जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं. इस पर वो एक जोक भी करता है कि सर आई एम स्टिल अनएम्प्लॉयड, अगर आपको ये लेसन याद है तो राइट. नेक्स्ट इसके बाद का एंट्रेंस क्या, इसके बाद का एंट्रेंस है, आई कैन ट्रेन यू बट ऑन वन कंडीशन. अगेन राम नारायण सर बहुत सीरियस होते हैं इस चीज़ के लिए, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ लेकिन बस एक कंडीशन पर. तब तरुण कहते हैं, व्हाट कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है सर. तो ये था नेक्स्ट अटरेंस. अब एट्थ वन जो अटरेंस है वो है, इफ यू विन द रेस ऑन चाइल्डहुड आई विल ट्रेन यू, अगर तुम चिल्ड्रंस डे पर होने वाले रेस को जीतते हो तब मैं तुम्हें क्या करूँगा, ट्रेनिंग दूंगा. एंड इसके बाद का अटरेंस क्या है, कि दैट इज नो बिग डील, आई विल सर. तो यहाँ पे जो
तरुण हैं वो नाम नारायण सर को एश्योर करते हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मैं बिल्कुल ये चीज़ करके दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट अट्रेंस आता है कि आई विल मीट यू आफ्टर 5 डेज, मैं तुमको यहीं पर 5 दिन बाद मिलूंगा। और सबसे लास्ट अट्रेंस है आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, कि मैं तुमको तुम्हारा पार्टिसिपेशन कार्ड हैंड ओवर करूँगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। अब इसके बाद आती है डायलॉग राइटिंग की, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डायलॉग राइटिंग इन योर टेक्स्ट बुक एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दिस डायलॉग राइटिंग्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन इज कंप्लीट द डायलॉग विद द अटरेंस इन क्वेश्चन 1 ऑन द प्रीवियस पेज, मतलब इसके पहले के पेज में जो आप क्वेश्चन दिया था उसमें जो अटेरेंस से उससे रिलेटेड आपको डायलॉग राइटिंग क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इट इज गिवन इन योर बुक, राइट? ओके, जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट इज गिवन इन योर बुक, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, राइट? सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट राम नारायण, पहला जो डायलॉग है वो राम नारायण सर कह रहे हैं कि वॉट इज इट सन, ये तब उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं एट द टाइम जब तरुण अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा था, कि जब वो अपने टर्मिनल एग्ज़ाम्स में फेल हो गया था और जब उसके फादर उस पर गुस्सा हुए थे एंड हिज फ्रेंड्स मेड फन ऑफ हिम एट दैट टाइम, व्हाट ही डिड कि ही वेंट टू द गार्डन एंड ही जस्ट मेड 10 to 20 राउंड्स ऑफ दैट पार्क, और वो तब तक अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा था जब तक कि उसकी इमोशंस बाहर नहीं आ गए और जब तक कि वो एकदम थककर चूर नहीं हो गया, जब तक वो खुद एग्जॉस्ट नहीं हो गया, राइट? सो यहाँ पे तभी मिस्टर राम नारायण ने उसको ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम उसको देखा था और तभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जब वो बेंच पर बैठे थे, तरुण बेंच पर बैठे थे, साथ में राम नारायण सर उनके पास आए एंड ही आस्क्ड व्हाट इज इट सन, कि ये क्या है बेटा, व्हाई आर यू एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ, मतलब उसकी मन की बात जानना चाह रहे थे कि व्हाई आर यू डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, व्हाई आर यू हर्टिंग योर सेल्फ। इतनी देर से वो उसको दौड़ते हुए देख रहे थे, लगभग हाफ एन आवर से। सो हियर द थिंग केम आउट फ्रॉम द राम नारायण सर कि कम से कम मैं पूछ लूँ व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और व्हाट इज़ द थिंग बॉदरिंग हिम, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको बॉदर कर रही है और जिस वजह से ही इज़ एक्टिंग लाइक दिस और ही इज़ एग्जॉस्टिंग हिमसेल्फ, राइट? सो फर्स्ट जो थिंग थी वो थी राम नारायण सर कहते हैं कि व्हाट इज़ इट सन। तरुण वहाँ पर कहता है कि सर आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, इट इज़ ईजी। अगेन राम नारायण सर बोलते हैं यू आर द वन बेस्ट रनर आई हैव फाउंड इन माई लाइफ और आई हैव सीन इन माई लाइफ। यहाँ पे वो वाला स्टेटमेंट आएगा जब राम नारायण सर उसको ये कहते हैं। अगेन तरुण का स्टेटमेंट है, तरुण के स्टेटमेंट में वो कह रहा है थैंक यू सर, क्योंकि यहाँ पर जो है राम नारायण सर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू आर द वन ऑफ द बेस्ट रनर जो कि राम नारायण सर ने अपनी लाइफ में देखा है, राइट? आगे अगेन राम नारायण सर का एक कमेंट है या उनका डायलॉग है, राम नारायण सर कहते हैं आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू, मैं तुम में एक बहुत शानदार या बहुत अच्छा फ्यूचर या भविष्य देखता हूँ। इसके बाद फिर से तरुण का एक कमेंट आता है या डायलॉग है कि इट्स सो काइंड ऑफ यू सर, सर आप कि इतने अप्रिसिएशन के धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं, राइट? मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कह रहे हैं। नाउ राम नारायण सर ऑल यू हैव टू डू, कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है जहाँ पे लिखा है ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट लेट द थिंग बर्न इनसाइड यू एंड नेवर गिव अप, राइट? यहाँ पे यही स्टेटमेंट आता है, फिर एक स्टेटमेंट आप उस वहीं पे देख रहे हैं हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो हैव से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट वही है कि हैव यू ज्वाइन एनी ट्रेनिंग स्कूल, राइट? तो वहाँ पे आपको वहाँ लिखना, वहाँ पर
आपको हैव यू ज्वाइन एनी ट्रेनिंग स्कूल लिखना रहेगा, राइट? फिर से यहाँ पे राम नारायण सर का एक नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू लेट द बर्न द पैशन इनसाइड यू एंड नेवर गिव अप, और उसके बाद फुल स्टॉप है. उसके बाद अगेन आपको लिखना है हैव के बाद. वहाँ पे सर पूछते हैं कि हैव यू ज्वाइन एनी ट्रेनिंग स्कूल. सो दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक एज अ आंसर. नाउ तरुण का स्टेटमेंट क्या होता है? तरुण का स्टेटमेंट में दिया हुआ है द, राइट? उसके बाद फिलअप है. तो वहाँ पे जो तरुण का स्टेटमेंट था, याद करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं सर द ट्रेनिंग स्कूल इज एक्सपेंसिव, कि ट्रेनिंग स्कूल बहुत एक्सपेंसिव है, राइट? तो राम नारायण सर उस समय क्या कहते हैं, आई के बाद फिल से आपको एक फिलअप दिखाई दे रहा है, तो वहाँ आपको फिल करना है जो राम नारायण सर ने कहा था, राइट? कि आई कैन ट्रेन यू, राइट? आई कैन ट्रेन यू बट वन कंडीशन, बट ऑन वन कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे तरुण पूछता है व्हाट कंडीशन. व्हाट के बाद फिलअप में आपको क्या लिखना है? कंडीशन. नाउ राम नारायण सर का फिर से स्टेटमेंट आ रहा है, उनका फिर से डायलॉग है. वहाँ पे इफ के बाद फिलअप वाला पार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको लिखना है यू हैव टू won the race or you have to win the race which is organized on Children's Day. And now if you win the race in Children's Day, I will definitely train you. इस समय ये स्टेटमेंट यहाँ पे आता है. इसके बाद तरुण बोलता है that is not a big deal sir, I will sir, right? इसके बाद राम नारायण सर का अटेरेंस आता है कि आई विल मीट यू योर एंड आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड आफ्टर 5 days, राइट? सो दिस इज अबाउट द डायलॉग राइटिंग विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज कंप्लीट द ग्रीड with the information from the lesson. यहाँ पे आपको इस ग्रीड को कंप्लीट करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग. तो चलिए लेट्स रीड द अटरेंसेस और सेंग्स और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स डू इट. As you can see on your screen that there is a table given there, right? In the first part, the utterances are given. In the second section, you can see that who said is written, and the third section it is given that to whom, किसने किससे कहा, right? We will read the utterances one by one and try to find out that who said these utterances to whom. Let's find out now. From the first utterance, we will start. First utterance is, your training starts tomorrow. It means कि तुम्हारी training कल से start होगी. तो जैसे कि it is already given in your book कि who said it? So Mr. Ram Narayan said it, and to whom? To Tarun, right? Now the second utterance we will talk about, get up son, get up run, right? तो ये जो utterance था वो तरुण की माँ ने कहा था, और किसे कहा था? तरुण को. तो जो सेकंड कॉलम है हु सेड में, तरुण्स मदर आएगा, टू हूम? टू तरुण आएगा, राइट? नाउ द थर्ड अटरेंस इज, यू आर अ रियल लाइफ हीरो. तुम एक रियल लाइफ हीरो है हो. तो ये जो चीज़ है वो मिस्टर राम नारायण ने कही थी, और किसे कही थी? वो तरुण को कही थी. अगेन वी विल फॉलो द फोर्थ अटरेंस. फोर्थ अटरेंस इज, कम ऑन तरुण रन. ये भी कहा था मिस्टर राम नारायण ने, और किसे कहा था? ये कहा था तरुण को, राइट? आई एम सॉरी आई लॉस्ट. दिस अटरेंस इज सेड बाय तरुण, एंड टू हूम? टू मिस्टर राम नारायण. कब कहा था? जब 3 बार ट्राई करने के बाद भी वो चिल्ड्रंस डे का जो रेस है उसको हार जाता है, देन ही फील सो सैड, सो बैड, एंड फाइनली ही सेड टू मिस्टर राम नारायण कि सर आई एम रियली वेरी सॉरी आई लॉस्ट द रेस, राइट? सो यहाँ पे जो अटरेंस है इट इज सेड बाय तरुण टू मिस्टर राम नारायण, राइट? आगे हम नेक्स्ट अटरेंस की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट अटरेंस इज, You are the best so son in the world.
तो यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड जो है वो मदर ने अगेन अपने बच्चे के लिए कहा था. सो बच्चा कौन है, सन कौन है, तरुण है, और तरुण की मदर ने तरुण को खुद को कहा था, राइट. नेक्स्ट है व्हाट इज इट सन, ये वही स्टेटमेंट है जो अभी अभी हमने डायलॉग राइटिंग में रीड किया है. इवन कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट क्वेश्चन में जब अटरेंस को सीक्वेंस में जमाना था तब हमने बात की थी व्हाट इज इट सन, कहा था मिस्टर राम नारायण ने तरुण को. लास्ट वन हेलो ऑल द बेस्ट, ये जो बात है अगेन मिस्टर राम नारायण ने कही थी और किसे कही थी, सन को कही थी. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द ग्रीड अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो व्हाट आर मोर, व्हाट इज मोर फॉर अस इन द वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामर सेक्शन. नाउ कमिंग टू द वोकैबुलरी सेक्शन, वोकैबुलरी सेक्शन में जो आपको क्वेश्चन विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज ऑन योर स्क्रीन, इज टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फ्रेजेस इन बोल्ड, रीड द पैसेज अगैन एंड यूज द डिक्शनरी इफ नेसेसरी. आपको सिंपल काम करना है कि यहाँ आपको जो सेंटेंस है उसको पढ़ना है और उसमें जो बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है या बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, डार्क कलर में लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग को इन फोर ऑप्शंस में से टिक करना है कि विच इज़ द करेक्ट वन, राइट. सो लेट्स रीड. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन से ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली. मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज कि वो हमेशा खुद को अपनी फैमिली का ब्लैक शीप समझता था. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्लैक शीप. लेट्स चेक आपने कितना समझा है और कितना याद रखा है. द ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन, अ पर्सन हु इज अ मीक एज अ शीप, राइट. सेकेंड वन, अ पर्सन हु इज अनेबल टू एडजस्ट, a sheep which is black in color, or a person who is considered useless by the family. तो ये चार ऑप्शन हैं, इन चार में से आपको कोई एक ऑप्शन सही चुनना है. तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है a person who is a meek as a sheep, जो कि sheep की तरह दिखता है, एक person जो कि sheep की तरह दिखता है. दूसरा है एक person who is unable to adjust, जो adjust नहीं कर सकता, right. और तीसरा है कि a sheep विच ब्लैक इन कलर, ठीक है. तो एक जो शेप है जिसका जो कि काले कलर का है, राइट. और जो लास्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है, द लास्ट ऑप्शन सेज अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली, एक पर्सन जो कि अपनी फैमिली के द्वारा ही यूजलेस कंसीडर किया जाता है. तो एज आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ब्लैक शिप का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज कंसीडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सेज लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. नाउ अप्स एंड डाउन्स आर रिटन इन बोल्ड हियर, ठीक है. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट, फर्स्ट ऑप्शन गिवन ऑन योर स्क्रीन इज गिव एंड टेक, लेना और देना. सेकेंड, सक्सेस एंड फेलियर्स, ठीक है. इट इज़ वेरी इजी, आप समझ सकते हैं. सक्सेस मतलब किसी चीज़ को हम किसी काम को करने के लिए हमने जो सोचा है वो पूरा हुआ तो हम सक्सेसफुल हैं, फेलियर अगर हमने पूरा नहीं कर पाए तो दैट इज़ फेलियर. ओके, मूविंग अप एंड डाउन, दिस इज़ द थर्ड वन, कि हम ऊपर नीचे चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं. तो फोर्थ वन इज़ मैनी गुड थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, राइट. तो इट इज़ आई नो वेरी क्लियर कि सक्सेस एंड फेलियर मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, द थर्ड क्वेश्चन सेज ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. आपने बहुत कॉमनली इस फ्रेज को सुना हुआ है, राइट. तो इट मीन्स विश यू गुड लक और ऑलवेज डू गुड टू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और ऑल इज़ वेल विथ यू. चलिए इन ऑप्शंस की मीनिंग समझते हैं. फर्स्ट, विश यू गुड लक, विश यू गुड लक मतलब आपका दिन शुभ हो, या इसका मीनिंग है कि विश यू गुड लक मतलब आपका जो समय है या दिन है वो अच्छा रहे.
शुभ हो। उसके बाद ऑलवेज गुड टू ऑल, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, मतलब हमेशा क्या करो, दूसरों के लिए अच्छा करो। थर्ड ऑप्शन कहता है टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी अच्छी तरीके से केयर करो। फोर्थ कहता है ऑल इज़ वेल विथ यू, सारा कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। तो ऑल द बेस्ट का मीनिंग होता है विश यू गुड लक। लेट्स चेक आउट द फोर्थ क्वेश्चन, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आप हमेशा सुना है, ये बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है कि हम कोई कोई अच्छा काम करने जा रहा है, या कोई एग्जाम देने जा रहा है, या कुछ ऐसा शुभ काम करने जा रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट, कि आपको आपके काम में सक्सेस मिले, राइट। तो आइए इसका मीनिंग जानते हैं, और इसके सबसे पहले ऑप्शंस रीड करते हैं कि ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है विश यू गुड लक, जिसका मतलब होता है कि आपका दिन शुभ हो, या मैं आपको शुभ जो है विश कर रहा हूँ कि आपका जो भी कार्य है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। ऑलवेज डू गुड टू ऑल, सब के लिए अच्छा काम करें। तीसरा है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी अच्छे से केयर लें, या ऑल इज़ वेल विथ यू, आपके साथ सब सही है। तो इसमें से जब हम ऑल द बेस्ट की मीनिंग की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा विश यू गुड लक। आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप, रे ऑफ होप। ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एज ए क्वेश्चन अब इसके आंसर्स बताना भी ज़रूरी है कि इस मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप, जो अगला दिन है वो एक नए होप के क्या लाता है, किरण लेके आता है। रे मतलब होता है किरण, राइट। सो हर नया दिन आपके लिए कुछ नया लेके आता है। नाउ इसका मीनिंग क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू पॉसिबिलिटीज़, फिर सेकेंड है टर्निंग पॉइंट्स, फिर थर्ड है एस्पिरेशन, और फोर्थ है एक्सपेक्टेशंस। तो ऑफ कोर्स इसका जो मीनिंग होगा वो है न्यू पॉसिबिलिटीज़। सो हियर वी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, या हम इसे कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस तरीके से वी एंडेड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। नाउ इस वोकैबुलरी के सेकंड पार्ट में हम आते हैं, और सेकंड पार्ट को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सेकंड पार्ट, और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। लेट्स गो थ्रू इट। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच डिस्क्राइब्स तरुण्स फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अटरेंसेस एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर हेल्प। तो इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको क्या करना है एज बींग अ स्टूडेंट, यहाँ जो अटरेंसेस दिए हुए हैं उसको रीड करना है, और उन अटरेंसेस के समय तरुण के मन में क्या फीलिंग चल रही थी, क्या इमोशंस आ रहे थे, उसको समझते हुए उन फीलिंग्स को या उन इमोशंस को आपको फिलिप्स में लिखना है। आपके हेल्पिंग बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो हैं जील, डिटर्मिनेशन, जॉय, शेम, फ्रस्ट्रेशन। जील का मीनिंग होता है ग्रेट एनर्जी या एंथुसियाज्म होता है, राइट। और डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है, Having firmly decided to do something, कि अब determined हो गए, अब ये करना है मतलब करना है, पूरा का पूरा दिल लगा करके, मन लगा करके किसी काम को करने को हम क्या कहते हैं, determined होना। Joy मतलब happiness होता है, shame मतलब शर्म होती है, किसी काम को न करने पर जिस तरीका का feeling आता है, shameful feeling आती है कि जो हम कर सकते थे बट हम नहीं कर पाए, तो वो शेमफुल फीलिंग को हम शेम कह रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, इट इज़ रिलेटेड टू इरिटेशन या गुस्सा, नाराज़गी, तो फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ से रिलेटेड है। आइए हम अटरेंस को रीड करते हैं, लेट्स रीड द अटरेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इमोशन एट दैट टाइम तरुण वॉज फेसिंग, राइट। द फर्स्ट अटरेंस इज ऑन योर स्क्रीन,
आई फेल्ड इन टू सब्जेक्ट्स. अगर कोई बच्चा या हम कभी दो सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, उस समय हमारे पास कैसे इमोशंस होंगे? द सेम इमोशंस वॉज देयर एट द सेम टाइम तरुण वॉज फेसिंग. तो हमें क्या लगेगा? शेम फील करेंगे. तो यहाँ पे जो फिलिप्स में आपको इमोशन लिखना है या आपको जो फीलिंग उसकी लिखनी है, दैट इज शेम. सेकेंड वन, तरुण प्रैक्टिस वीग्रसली फॉर 5 days. वीग्रसली मतलब कंटिन्यूसली, राइट? तो तरुण ने क्या किया? कंटिन्यूसली 5 दिन प्रैक्टिस की, है ना? तो विथ जील, ग्रेट जो है एनर्जी के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ, बिना रुके और बिना थके. वीग्रसली मतलब कंटिन्यूसली, बिना रुके बिना थके. तो विथ कंटिन्यूस, तो आप इसे लिख सकते हैं जील या विथ फुल ऑफ एनर्जी, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही कुडंट बिलीव हिज ईयर्स, टीयर्स फिल्ड हिज आईज. इस जो अटरेंस का मीनिंग होता है वो ये है कि वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया और उसकी जो आँखें हैं वो खुशी से भर आई थी, राइट? खुशी तो मैंने खुद से जोड़ दी, उसकी आँखें भर आई थी. ये तब की बात है जब तरुण जो है ही फेल्ड टू विन द रेस, बट देन ऑल्सो द ऑडियंस वेर चेयरिंग फॉर हिम, राइट? द ऑडियंस वेर चेयरिंग फॉर हिम, क्योंकि उसने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उस रेस को जीतने की कोशिश की थी एंड ही नेवर गिव अप. ठीक है, वो रुका ही नहीं उस रेस में, राइट? वो कितने बार भी गिरा लेकिन वो रुका नहीं. तो यहाँ पे जो फीलिंग की बात आ रही है, दैट इज जॉय, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट, तरुण गॉट अप एंड रैन विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही हैड. तरुण उठा और फिर से जितनी भी अपनी स्ट्रेंथ थी उसके साथ वो दौड़ लगाया. तो यहाँ पे आती है बात डिटर्मिनेशन की, हिम्मत की, उसकी जिद की, कि वो करना चाहता है, कितना डिटरमाइंड है, राइट? नाउ ही वांटेड टू इरेज द डे फ्रॉम हिज लाइफ. जब भी हम किसी चीज़ में फेल होते हैं या हम किसी ऐसी सिचुएशंस के थ्रू जाते हैं जिसे हम फेस नहीं करना चाहते या जिसके बारे में हम भूलना चाहते हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी हो चुकी हैं, एट दैट टाइम वी वांट टू इरेज दोज मोमेंट और दोज पार्ट ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे उस सिचुएशन को लेके क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, राइट? तो हम यहाँ पे जो तरुण की फीलिंग है उसे हम फ्रस्ट्रेशन का नाम देंगे. नाउ अब आप, आई होप कि यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज हेल्पिंग वर्ड्स, राइट? जील, डिटर्मिनेशन, जॉय, शेम, फ्रस्ट्रेशन. चलिए आइए एक और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली वेदर यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स और नॉट. तो चलिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं न्यू सेंटेंसेस के साथ. फर्स्ट सेंटेंस इज ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट सेंटेंस, यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. आप जो हैं कह रहा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बस इतना कहना चाह रहा है कि यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. तुम अपने किसी भी इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम उसे देना चाह रहे हो. तो यहाँ पे क्या होगा? आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे. फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने के लिए क्या होते हैं? बहुत एक्साइटेड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट. यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो जील यूज होगा, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है, यू वॉन्ट टू हेल्प योर फ्रेंड बट यूर वॉलेट इज एम्प्टी. ठीक है, आप अपने फ्रेंड को उसके बुरे वक्त पर या कभी ऐसे समय जब उसे ज़रूरत है मदद करना चाहते हो, बट आप उस समय फाइंड आउट करते हो कि आपकी वॉलेट खुद खाली है, राइट? तो वहाँ पे आप शेमफुल फील करते हो. तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा और जो फीलिंग आएगी, दैट विल बी शेम. नेक्स्ट वन, यू वॉन्ट टू डांस आफ्टर हियरिंग योर रिजल्ट. जब भी हम अच्छा कुछ करते हैं, हमारा कुछ अच्छा रिजल्ट आता है, तब हम क्या करते हैं? हम अपनी चीज़ को इंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं. एट दैट टाइम हम कैसे होते हैं? हम हैप्पी होते हैं, जॉय वाली फीलिंग आती है हमारे मन में, राइट? तो यहाँ पे जो फीलिंग होगी जॉय की फीलिंग होगी और इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा? जॉय होगा. नेक्स्ट, यू आर अपियरिंग फॉर NTSC फॉर द थर्ड टाइम. दिस इज सम काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और काइंड ऑफ एग्जाम जहाँ पर कोई भी अगर थर्ड टाइम अपियर कर रहा है, उसे उसके लिए फाइट कर रहा है ताकि उस एग्जाम को क्लियर
कर सके तो वो क्या है, बहुत ही डिटरमाइंड है। किसी भी तरीके से जो गोल उसने या जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है वो उसको फुलफिल करना चाहता है या पाना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे जो फीलिंग है वो डिटरमाइंड फीलिंग आएगी। नेक्स्ट वन, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीबडी आफ्टर द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन हुआ उसके बाद आप किसी से बात नहीं करना चाहते। हो सकता है आप उस कॉम्पिटिशन में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। एट दैट टाइम आप कैसा फील करेंगे? एट दैट टाइम आप फ्रस्ट्रेटिंग फील करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी इमोशंस हैं वो फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस आएंगे। सो इस तरीके से वी हैव लर्न द मीनिंग्स एंड द सेंटेंसेस रिलेटेड टू द फीलिंग्स। So in this way, we have completed the vocabulary. Next, switch to the other part of this segment. Now, after the comprehension part, vocabulary part, coming to the grammar portion of the textbook, right? From the same lesson. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets. So this is all about the practice. Still, I will give you the answers of this question, right? Let's read the fill-ups and then we will find out the answer for this question, right? So first, if you wish to become a good athlete, you, आप देख रहे हैं ब्रैकेट में हैव है, राइट, टू प्रैक्टिस हार्ड, हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, राइट, इफ यू विश टू बिकम अ गुड एथलीट, अगर तुम एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। आपको क्या करना पड़ेगा? हैव का यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। नाउ ट्रेनिंग विल वर्क इफ़ यू, अगेन ब्रैकेट में नो है, तो सेम एज इट इज़ हम नो की जगह नो ही लिखेंगे, हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। इफ़ यू गेट अप अर्ली एंड रन एट योर टॉप स्पीड, अगर तुम जल्दी उठते हो और अपनी टॉप स्पीड में दौड़ते हो, You will see that you gain pace quickly. तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी तुमने क्या कर लिया, पेस यानी स्पीड को पकड़ लिया। If you have determination, success will follow. And if you try hard, you can overcome all hurdles. और तुमने अगर अपनी सक्सेस पानी है तो क्या करना है, तुमको ट्राई करना है, तभी तुम जितने भी तुम्हारे हर्डल्स है उस पर ओवरकम कर सकते हो। इफ़ योर फैमिली बूस्ट यू अप, यू विल गेट सक्सेस इन द अर्नेस्ट। आई बिलीव इफ़ यू हैव लेस मनी, यू विल नेवर फील द लैक ऑफ इट। सो इट्स ऑल अबाउट द टेंसेस। जब आप टेंस की प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, वेन यू रीड द सेंटेंस एट दैट टाइम आपको समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस चल रहा है ये कौन से टेंस में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, राइट, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, कि प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये रीडिंग के बाद ही पता चलता है। और कहाँ क्या यूज़ करना है ये आपको रीडिंग करने के बाद और थ्रू प्रैक्टिस ही समझ पाएंगे। तो जो इसका थॉरो पार्ट है ना, जो डिटेल पार्ट है, वो टेंस वाले पोर्शन में हम करेंगे। अभी ये आंसर्स आपके लिए सफिशेंट हैं। एक और क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, वो है कि इन योर नोटबुक री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, मेक चेंजेस वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। तो आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसमें इफ लिखा हुआ है, राइट, और जहां पर इफ लिखा है उसको रिप्लेस करना है एन अनलेस से, राइट। लेकिन थिंग इज, कंडीशन गिवन इज कि जहां नेसेसरी हो वहां। चलिए इफ के साथ पहले जो है पूरे पैराग्राफ को रीड करते हैं, देन उसके बाद हम इफ को रिप्लेस करेंगे अनलेस से, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले इफ के साथ रीड करते हैं द सेंटेंस एज इट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, और हम उसको एज इट इज ही रीड करेंगे, राइट। तो सेंटेंस है, इफ माई पेरेंट्स डोंट गिव परमिशन द स्पोर्ट्स टीचर वोंट एनरोल मी, ठीक है। इफ का मतलब होता है यदि, यदि मेरे पेरेंट्स
मुझे परमिशन नहीं देंगे, मेरे स्पोर्ट्स टीचर मुझे एनरोल नहीं करेंगे या मुझे स्पोर्ट्स में मेरा नाम रजिस्टर नहीं करेंगे, राइट? एंड इफ आई डोंट गो टू स्कूल, और यदि मैं स्कूल नहीं गया तो ही वोंट टीच मी टू प्ले फुटबॉल, मतलब जो स्पोर्ट्स टीचर है वो मुझे फुटबॉल खेलना नहीं सिखाएंगे, राइट? मोर ओवर माई मदर सेज दैट, और साथ ही जो मेरी माँ है वो कहती हैं, इफ डोंट टेक राधा विथ मी, कि राधा को, इफ आई डोंट टेक राधा विथ मी, यदि मैं राधा को अपने साथ नहीं ले गया, शी वॉन्ट अलाउ मी टू ज्वाइन एनी स्पोर्ट्स टीम, वो मुझे किसी भी स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करने नहीं देंगे। अब यदि 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 इफ हमने यूज़ किया है, आइए इन सब इफ को रिप्लेस करते हैं अनलेस से, और उसको सेंटेंस को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस की मीनिंग क्या है। इफ को हम रिप्लेस करेंगे अनलेस से और इस तरीके से रीड करेंगे, अनलेस माई पेरेंट्स गिव परमिशन, अनलेस मतलब जब तक, है ना, जब तक मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन नहीं देंगे, द स्पोर्ट्स टीचर वोंट एनरोल मी, मेरे स्पोर्ट्स टीचर मुझे बिल्कुल एनरोल नहीं करेंगे, अनलेस आई गो टू स्कूल, और जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ही वोंट टीच मी टू प्ले फुटबॉल, वो मुझे फुटबॉल खेलना नहीं सिखा पाएंगे। मोर ओवर मतलब साथ ही, माई मदर सेज, मेरी माँ कहती हैं कि दैट, इफ की जगह अगेन अनलेस, जब तक आई टेक राधा विथ मी, जब तक मैं अपनी बहन को अपने साथ स्कूल नहीं ले जाऊंगा, दे विल नॉट अलाउ मी, और शी वोंट अलाउ मी टू ज्वाइन द स्पोर्ट्स टीम, वो मुझे बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेंगी कि स्पोर्ट्स टीम को मैं ज्वाइन करूं। सो इन दिस वे हमने इस आपका ग्रामर पार्ट भी कंप्लीट किया है। आपका एक छोटा सा राइटिंग सेक्शन है, आइए देखते हैं उस राइटिंग सेक्शन में आपके लिए क्या है। Question is given here that Tarun is now 23 year old, right? He has won many medals as the national and international level sports tournaments. Usne kahi sare jo hai medals kis mein, national aur international tournaments mein jeete hain. He is now a pride for his teacher and फ्रेंड्स, जो तरुण ने उन सबको प्राउड फील कराया है, वो हमेशा उस पर अब प्राउड फील करते हैं, राइट? अब वो उनके लिए गर्व की बात हो गई, तरुण का स्कूल में रहना था जो एक गर्व की बात थी, ठीक है? द स्कूल हैज इनवाइटेड तरुण एज अ चीफ गेस्ट ऑन चिल्ड्रन डे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में समझा रहा है कि स्कूल ने जो है अब तरुण को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है किसी फंक्शन के लिए, चिल्ड्रंस डे के लिए, राइट? मतलब तरुण इज अ पास आउट स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल, राइट? द प्रिंसिपल हैज गिवन यू एन इनकम्प्लीट ड्राफ्ट ऑफ स्पीच, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि आपके प्रिंसिपल ने आपको एक ड्राफ्ट दिया हुआ है, आपको उस ड्राफ्ट को कम्प्लीट करना है, एंड दैट इज हिज स्पीच। चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है? डियर कॉलीग एंड फ्रेंड्स, कॉलीग सहकर्मी, एंड फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे जानते हैं, इट इज़ अ ग्रेट के बाद आपको लिखना है, तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम सच एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी एज आवर चीफ गेस्ट। तरुण हु वॉज अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल ब्रॉट अ ग्लोरी टू आवर स्कूल, ही शोड ग्रेट करेज, हार्ड वर्क एंड ओवरकम फेलियर, एंड फाइनली सिलेक्टेड और रीच्ड हिज गोल, हम कह सकते हैं, ठीक है? अब इसकी मीनिंग समझते हैं, जो फिलिप्स में मैंने डाला है उसमें मैंने क्या डाला है, राइट? आपको क्वेश्चन दिया है, इट इज़ अ ग्रेट, ग्रेट के बाद पूरा वैकेंट है, वहाँ पे क्या लिखा है, मैंने क्या बताया आपको, ग्रेट प्लेजर, प्रेशर टू वेलकम सच एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, है ना? मैं एज अ प्रिंसिपल अगर मैं बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने ऐसे प्रेरित करने वाले पर्सनैलिटी को अपने स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है, राइट? तरुण हु वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, क्योंकि वो उन्हीं के स्कूल का स्टूडेंट था, ब्रॉट अ ग्लोरी टू द स्कूल, उसने क्या किया है, अपने स्कूल के लिए एक ग्लोरी और एक प्राइड की बात बनाई हुई है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे मेडल्स अचीव किए थे या लिए थे
नेशनल और इंटरनेशनल जो है स्पोर्ट्स के थ्रू. ही शोड ग्रेट करेज एंड हार्ड वर्क. उन्होंने क्या दिखाया है, बहुत जो है करेज के साथ, बहुत हिम्मत के साथ ये काम की है और बहुत मेहनत की है इसके पीछे, हार्ड वर्क लिखना है आपको. एंड ओवरकम द फेलियर एंड फाइनली, और जितनी बार वो फेल हुए हैं उतने फेलियर्स को वो ओवरकम किए हैं, मतलब उनको पार किए हैं और फाइनली क्या किए हैं, रीच्ड हिज गोल. और फाइनली वो अपने गोल की तरफ, जो उन्होंने डिसाइड किया था, वो उसकी तरफ रीच कर लिए हैं या पहुंच चुके हैं. सो दिस इज अबाउट द राइटिंग सेक्शन और अ शॉर्ट स्पीच बाय अ प्रिंसिपल यू हैव टू कंप्लीट. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द लेसन द रेस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. वी विल मीट Once again in our lesson. Till then, bye.